रेडी पैटर्न का फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल दोनों को सेपरेट लिख लें। एक थ्रेड पर बैक आर्म होल माइनस 1/4 इंच मार्क कर लेंगे और उसी पॉइंट से फ्रंट आर्म होल माइनस 1/4 इंच मार्क करेंगे। अगर आपके पास कोई वेल फिटेड स्लीव है तो डायरेक्ट आप उससे भी बाइसेप का मेज़रमेंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको इंच टेप को 90 डिग्री के एंगल पर आर्मपिट से लेना है। जैसे कि यहाँ पर मेरा मेज़रमेंट जो है वो 6.5 इंचेस है। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन मार्क करेंगे बाइसेप का मेज़रमेंट मार्क कर देंगे। फिर उसके बाद बैक आर्म होल जो था उसको मैच उसके पॉइंट को मैच करेंगे। और ये पॉइंट मार्क कर देंगे लाइन से मिला देंगे। गाइडलाइन मार्क करेंगे 90 डिग्री के एंगल पर। वर्टिकल गाइडलाइन मार्क करेंगे और फिर बैक बाइसेप को 4 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और फ्रंट बाइसेप को 3 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो भी मेज़रमेंट आएगा उसको सेम ऊपर भी मार्क कर देंगे। और उसको लास्ट की एक पॉइंट से मैच करेंगे। और आर्म होल की शेप देंगे। जो भी स्लीव की लेंथ रखना है उतना लेंथ लेंगे मिड पॉइंट। 1 इंच डाउन जाएंगे और एक हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन मार्क करेंगे और हेम लाइन को भी एक हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन मार्क करेंगे। लाइन गाइडलाइन मार्क करेंगे। साइड सीम की भी वर्टिकल गाइडलाइन मार्क करेंगे। 3/4 इंच फ्रंट स्लीव की तरफ जाएंगे और इसको एक गाइडलाइन से मैच कर देंगे। उसके बाद टोटल हेम लाइन उसका हाफ मार्क करेंगे और सेम मेजरमेंट को इस लाइन पर भी मार्क कर देंगे और इसको मैच कर देंगे। उसके बाद इसका मिड पॉइंट मार्क करेंगे और जो भी हमारा टोटल हेम लाइन है वो मार्क करेंगे। टोटल हेम लाइन जो है मैंने यहाँ पर
9 इंच लिए है, उसका हाफ इंच 4.5 इंच हो गया, वो 4.5 है। अभी ये जो पोर्शन बचा है ये मेरा डॉट है, 1.38 इंचेस डॉट अमाउंट बचा है। अभी इसको सबसे पहले मिड पॉइंट मार्क करेंगे और 1.38 बोथ साइड डॉट अमाउंट मार्क कर देंगे, बोथ साइड। ये हमारा डॉट अमाउंट आ गया। उसके बाद 1/4 इंच लॉन्ग जाएंगे और इसको मिला देंगे। तो ये आउटलाइन हमारा रिस्ट डॉट स्लीव है। अगर आपको इसको एल्बो पर शिफ्ट करना है तो उसके लिए इसको यहाँ पर कट लगाएंगे, ये पिवट पॉइंट रहेगा। हमारा डॉट यहाँ से इस जगह पे मूव हो गया है। ये एल्बो डॉट है और ये रिस्ट डॉट स्लीव है।